पिछली बार इंडिया ने बनाए थे 70 रन विराट कोहली और केएल राहुल की बदौलत। अब आयरलैंड की आयरलैंड की बैटिंग और मुझे तो भी फील्ड सकता है अगर वो मैच लगा तेज गेंदबाज को लाया गया लाइक कर दो कर दो यार। हम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई पहली बॉलिंग मतलब पहले बैटिंग करने आ रहे हैं पीस प्लेयर, अब देखते हैं क्या कमाल कर पाएंगे या फिर हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो भाई अब वक्त ही बताएगा। ये कब भाई पहली बॉल पे चटक गया है पहली बॉल पे चटकते हुए और इसी के साथ पहली बॉल पे दुबले के मार को मिलती है शानदार सी खतरनाक विकेट पी स्टिरलिंग की। और अब आ चुके टकल टकर आयरलैंड का स्वागत करते हैं 70 रन की चेज में। शानदार तरीके से 2 रन के लिए खेल दिया है और बहुत ही प्यार से उन्हें मिल जाएंगे भाई 2 रन। और अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये ऐसे 2-2 करके कितना भाग लगे भाई, बड़े शॉट से चाहिए होंगे ना। तो भाई भुवनेश्वर कुमार की एकदम शानदार बॉलिंग के चलते फिलहाल तो भाई 2 बॉलों पर 2 ही रन आए हैं, लेकिन भाई रन रेट को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है इस टीम को, क्योंकि ऐसे 2-2 रन लेने का भाई काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, क्योंकि 70 रन का जो खिंचा के टारगेट दिए हैं ना भाई वो देख के तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको। और अगर आप नहीं देखें तो भाई देख लो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा पिछली वीडियो का, इंडिया वर्सेज आयरलैंड में जिसमें केएल राहुल और भाई विराट कोहली दोनों ने एकदम खतरनाक पारी खेली थी। हाँ वो लगभग था केएल राहुल ने 8 बॉल में बनाए थे और विराट कोहली ने 16 बॉल में, और भाई एक संभालने वाली पारी खेली थी विराट कोहली ने। और भाई फिलहाल तो भुवनेश्वर कुमार की खतरनाक बॉलिंग चल रही है, मात्र 4 रन दिए 4 बॉलों के अंदर और 1 विकेट भी चटका चुके भाई अभी तक। ओके ये चौका जा चुका है भाई, काफ़ी शानदार तरीके से 8 रन हो चुके हैं यार। वही कमेंटेटर का लगना ही नहीं किया यार, मैं बोलेगा ही नहीं भाई इस बारे में, मैंने बोला अभी 4 रन बहुत खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं, चौका खा गया बनना यार, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है, रन है इसका मतलब ये थोड़ी ना फ्री में बांटोगे। पर कुछ कर नहीं पाए भुवनेश्वर कुमार की बॉलिंग के सामने और हार्दिक पांडे को बुलाया भाई दूसरा ओवर करने, और वो पहले ओवर में आए मात्र 8 रन। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई कुछ नहीं हो सकता, टीम इज गो आयरलैंड इज गोइंग टू डाई, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से। पर ये क्या भाई हार्दिक पांडे को पहली बॉल पे छक्का जड़ दिया भाई, कोई चेक नहीं हार्दिक पांडे की, पहली बॉल पे आते ही छक्का जड़ दिया, कितने मीटर का भाई से छक्का भैया ज़रा थोड़ी गिनती करके बताएंगे तब हम आपको बताते हैं। 75 मीटर का छक्का भाई, 15.5 की स्ट्राइक रेट से 15.45 के रन रेट से खेलना पड़ेगा, फिलहाल 6 रन तो आ चुके हैं और ऐसे ही करते रहे बैटिंग बॉल बनाएं तो भाई दिक्कत में आ सकती है इंडिया। और अगर भाई 72 रन बनाने के बाद भी अगर इंडिया हार जाती है तो समझ लो भाई बॉलिंग यूनिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है मजबूरी है, क्योंकि भाई जो टीम 70 रन डिफेंड नहीं कर सकती 30 बॉलों में बॉलिंग यूनिट उसका क्या ही कर लोगे भाई, तुम कितना ही खींच दोगे उस टीम को। फिलहाल तो काफ़ी उत्तम प्रदर्शन दिखाया है हार्दिक पांडे ने, पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद भाई 3 बॉल में आए अभी तक मात्र 9 रन, वैसे मात्र नहीं कह सकते इसको तुम फिर, लेकिन भाई एक किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो भाई वो रिस्पेक्ट आपको दिख रही होगी। 70 कहा 9 बहुत फासला है भाई, एक एक रन से भी इनके फासले बढ़ रहे हैं यार, कम नहीं होंगे। फिलहाल तो भाई एक और चौका कर दिया है, हाँ और अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज का अगर तभी तो कल कब आएंगे ना। अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा, हाँ मेरी जान, खिलाड़ी जल्दी से बैकअप करने के लिए आए, 14 रन आ चुके हैं, 15 रन आ चुके हैं, नहीं 14 रन ही आ चुके हैं, 14 रन आ चुके हैं मात्र 5 बॉल के अंदर। अब भाई जोशने वाली बात ये होगी कि और कितने रन आएंगे भाई इस ओवर में, क्योंकि 19 बॉल में अब चाहिए 51 रन और अब चाहिए 18 बॉल में 50 रन, बहुत ही महंगा ओवर गया ये, फिर भी स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं रख पाएंगे करंट रन रेट के मुकाबले। तो भाई आर अश्विन आ चुके हैं, अब ये क्या उनकी करंट रन रेट इजाफा करेंगे या
गिराएंगे जैसे हार्दिक पांड्या ने गिराया था। अब ये तो भैया वक्त ही बढ़ाएगा। ओके पहली बार काफी तेजी से खेल दी है भाई, बार बार हर बार गलती जो हम करते वो थोड़ा ही नहीं है। पावर प्ले खत्म होते हैं फील्ड चेंज करके, पावर प्ले खत्म होने के बाद हर बार वही पुरानी पावर प्ले वाली फील्ड रख के खेलते थे। और लास्ट ओवर में कहीं पर हमें याद आता भाई अच्छा फील्ड नामक चीज़ होती है वही चेंज करनी होती है। इस बार भाई हमने वो गलती बिल्कुल नहीं करी। और भाई पावर प्ले खत्म होती है भाई कौन सी फील्ड भाई चेंज करो किसी काम के लिए, फील्ड करके निकल गए भाई। और इसी के साथ फिलहाल तो भैया सही समय पे दो बॉल में तीन रन हमारा शो फिलहाल तो करंट रन रेट में इजाफा कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट गिरा रहे हैं बार बार। पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं और बार बार आए दोनों ही खतरनाक खेल रहे हैं। और ये बार बार आए ओके नेवर माइंड दोबारा वो क्यों चाहता गया और अब बोला तो छक्का चला गया करना क्यों चाहिए यार मेरे को बता गया भाई आप ही बता दीजिए मेरे को करना की चाहिए यार ऐसे तो मेरे काम चलने नहीं वाला है मेरे से पूरी नहीं है। फिलहाल तो भाई आयरलैंड के दोनों ही बैटर बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं और भाई जो टकर भैया है वो हमारे 8 बॉल पे 19 रन पे और वही दूसरी साइड भाई हमारे बाल बाल आए भैया है वो है 6 बॉल पे 13 रन। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं दोनों एकदम खतरनाक खेल रहे हैं। अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भी लीग मैच में जा सके एटलीस्ट एक बार तो जा ही सके। आगे उनके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा पर भाई एटलीस्ट जा तो सके ना जो फिलहाल अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल भाई क्योंकि बहुत रन चाहिए यार गेम के अभी तक बने नहीं होते। एक ओवर में बन गए थे हमारे हाँ मान ले दूसरे ओवर में एक ही रन आया था फिर भी 2 ओवर में 36 थे भाई ये तीसरा ओवर खत्म होने वाला है मात्र 11 रन दे दिए भाई बंदे ने और कितने लेगा पर भाई अश्विन मिल सकते हैं क्या और कुछ नहीं कर रहे हैं 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में और 13 ओवर की समाप्ति के बाद अक्षर पटेल को बुलाया भाई चौथा ओवर डाल ले और देखते भाई ये कितने रन देते क्योंकि अब चल रही भाई 13-11 की एवरेज चल रही है ओवर में हर ओवर में खुश होंगे अपने आप से 12 की एवरेज चल रही 36 रन आए 3 ओवर में ओके आसानी से खेला नेवर माइंड एक ही रन मिलेगा पहली बॉल पे तो देखो भाई 36 रन आए हैं 3 बॉलों में और नहीं क्या बोला 36 रन आए हैं 3 ओवर में और हमारे काफी डिसिप्लिन रही है बोला बात है एक ओवर में 35 रन के दूसरे ओवर में मात्र 1 रन आया तो जिसका खामियां से टाइम नहीं कर पाए वहां 85 तो हो ही जाते यार और सेंचुरी भी बन जाती है काफी सरलता से खेला था ये शॉट पर सीधा फील्डर के पास एक आधे और खतरनाक ओवर मिल जाता फ्री हिट वाला तेज गेंदबाजी को खेला बहुत ही खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं अक्षर पटेल पहली दो ओवर पर मात्र 2 रन लिए जो अब तक देखा नहीं गया है मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए क्यों बोल देता हूँ बार बार मैं बार बार बोलूँगा और बार बार कह रहा हूँ ऐसा नहीं करना है मुझे मैं क्या चला यार भाई यार तुम ये कमेंट सेक्शन में याद नहीं बुलाते मैं इसलिए ऐसे यार नहीं सर विश्वास भरा शॉट था ये अच्छी बल्लेबाजी भाई यार थोड़ा यादवा दिलाओ यार भाई तुम लाइक नहीं कर रहे यार सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार ऐसा होता रहता ना फिर तो यार तुम लाइक करोगे तो थोड़ा मजा सा आएगा थोड़ा और कमेंटेटर को थोड़ा कम लगेगा भाई यार ऐसा मत करो इंडिया टीम को दिखा दो यार लाइक कर दो इसी बात पर यार अगर तुम चाहते हो भाई कमेंटेटर को ना लगे तो कृपया करके लाइक कर दो यार भाई कौन कौन भाई खुश हुए कभी गेंदबाज साइड चेंज करते हुए राउंड द विकेट अब गेंदबाजी करेंगे जैसे जब ये वीडियो आएगी तब तो शायद वो लखनऊ का फाइनल भी खत्म हो जाए हु नोस भाई वीडियो के आने पे डिपेंड करते हैं वो तो लखनऊ को हराने के बाद आरसीबी ने फैंस ने बदला लिया है ना नवीन और लक्कड़ की फाइट का अच्छा बना ये थ्रो को नवीन का और एलएसजी का भाई बचाया अपनी टीम के लिए स्पीड मैंगोज दिखा के और मेरा भी एक ट्रिब्यूट होना चाहिए भाई स्पीड मैंगोज का पर ये ना मेरे पास आज तक अभी फिलहाल तो कोई स्पीड मैंगोज की फोटो वोट पड़ी नहीं है ना वरना मैं जरूर करता भाई हम बोल देते हैं नवीन भैया इसी बात पर खड़ा स्पीड मैंगोज के लिए चाहेंगे ब्रोकर से मंगाने के लिए पैसे हम दे दें आपको इस बात पर क्या कहना है भाई भाई 53 रन की साजिश जारी कर चुके हैं ये मात्र 23 बॉलों के अंदर और भाई लास्ट ओवर डालना है जो कि यहाँ पे अर्शदीप सिंह 52 रन है 20 रन इस ओवर में बचाने हैं क्या अर्शदीप भाई ये कमाल कर पाएंगे क्या अर्शदीप किस चीज़ को बचाने आसानी से खेला 1 रन के तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट
अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह से चैन सबसे बार यूवी चैन में जसप्रीत बुमराह से टाइटल छीना है इन्होंने, अंतिम ओवर्स के लिए विकेट से छीना है हर्षल पटेल से छीना है सबसे भाई चीन का ये टाइटल अपने सर पर रखा है, क्या ये वो काम कर पाएंगे। बहुत ही बखूबी भाई, इतनी देर हो गई एक डॉट बॉल देखने को नहीं मिली थी भाई, पहले ओवर आई थी लास्ट डॉट बॉल आई थी उसके बाद एक बॉलर्स बैटर से पीटा गया और कुछ नहीं हुआ भाई। अब देखते हैं भाई क्या होने वाला, क्योंकि भाई दो बॉल में आ चुके हैं मात्र दो रन और तीन बॉल में आए हैं मात्र एक रन, तो इन शॉर्ट अब भाई चाहिए 18 रन तीन बॉलों के अंदर, और अगर एक भी बॉल आप छोड़ देते हैं तो समझिए भाई मैच तो हम जीत चुके हैं यहाँ से। क्या इस बॉल पे छक्का जाएगा, एक बहुत ही शानदार कोशिश जा रही है लक कट रही है अर्शदीप की, क्या ये सक्सेसफुल होगी, सक्सेसफुल गिर गया और सक्सेस छक्का गया उसके जड़ में और इसी के साथ अब चाहिए भाई 14 रन दो बॉलों के अंदर जो भाई नामुमकिन है, अगर एक ओवर रोकना बहुत मुश्किल हो जाए जो हम डालने देंगे ही नहीं, अरे वाइड भी चले जाए तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई, एक ही तो वाइड जाएगी ना बाकी। अरे भाई क्या ही खतरनाक बॉलिंग चल रही है भाई, मात्र एक रन दिया भाई लास्ट ओवर में, कौन सोच सकता था 7 रन दिए बस 5 बॉलों के अंदर, तो 20 रन डिफेंड करने थे भाई, ये बंदा वो भी डिफेंड कर लेता भाई जो खतरनाक तरीके की बॉलिंग डाली है ना भी उसने, मजा आया देखते भाई। इसे कहते हैं भाई कुत्ता बना के जीत रहा, फिर इंडिया भाई ये मैच जीत और आयरलैंड का सफर हुआ भाई, नहीं पता था वो नहीं जाने वाले इंग्लैंड में, तो भाई आज की वीडियो का बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर तो आपने देख ही लेंगे विराट कोहली केएल राहुल की, और ऑफकोर्स मैन ऑफ द मैच तो एक ही को मिलेगा जिसका नाम है केएल राहुल। तो भाई आज की वीडियो लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट में बता दो अगला किस पे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।